महानगर में निकाय चुनाव में विभिन्न वार्ड के पार्षदों ने जीत हासिल किया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के पार्षद पद व मेयर पद के मतगणना का कार्य हो रहा था। मतगणना का कार्य समाप्त हो गया है, ईवीएम और पोस्टल बैलेट की मतगणना कर लिया गया है और विजयी प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। सभी विजयी प्रत्याशी अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी व पार्षद पद के विजयी प्रत्याशियों ने कहा, कितना नंबर वार्ड धर्मशाला वार्ड नंबर 48। कितने वोट से आप चुनाव जीते? 100 वोट से जीता हूँ मैं चुनाव। आप बीजेपी से निर्दल लड़े हैं, क्या लगता है कि तरफ कार्य करेंगे? जो कार्य बाकी था, अब देखिए कार्य बाकी नहीं थे, जो भी 10-15-20% काम बाकी है अब मैं पूर्ण कर दूंगा। ये चुनाव जीतने का श्रेय पूरी हमारी सम्मानित जनता को है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विरोधी लोग काफ़ी मेरे पीछे पड़ गए थे, अब भाजपा के रहकर भी पूर्व पार्षद धर्मशाला बाजार के रहे और साइकिल का प्रचार करने लगे, मुझे मजबूरी में मैदान में कूदना पड़ा पूज्य महाराज जी की इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं पर्चा वापस ले लेता सभा सीट निकाल ले जाती। इसलिए मैं महाराज जी को वादा किया था कि मैं चुनाव जीत के मैं फिर से सर्टिफिकेट आपके चरणों में रखूँगा। जब भाजपा में जाएंगे फिर आप श्योर जाऊँगा। अच्छा, आगे किस तरह से कार्य करेंगे? कुछ कार्य और भी जो भी जनहित में काम कार्य रहेंगे, जो भी जनसेवा रहेगा वो करते रहूँगा। अपना नाम? मैं बबलू प्रसाद गुप्ता और माँ का लाल छठी लाल। वार्ड नंबर 5 बाबा गंभीर नाथ वार्ड से जो है विजयी उम्मीदवार हुआ हूँ मैं। इसके लिए अपने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को जो है बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। प्रत्याशी हमारी धर्मपत्नी श्रीमती हकीकुन्निसा थी। 700 वोटों से हम जीते हैं, टोटल 2280 वोट मिले हैं, विरोधी जो थे वो 1500 वोट के अंदर। आगे किस तरह से कार्य करेंगे? पूरी विकास की कार्य योजना जो है, नगर निगम रोड, लाइट, बिजली, पानी जो है, ये सारी व्यवस्था जो है ठीक से किया जाएगा। जनता ने अपार समर्थन से एक तरफा जीत दिया है, उसके लिए जनता को बधाई। और मैं जनता से पुनः कहना चाहूँगा कि उनके हर सुख दुख में मैं पहले खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। पूरा वोट पड़ा था 6177 वोट, जिसमें 3652 वोट हमको मिला और 1900 कुछ वोट हमारे निकटतम प्रतिनिधि को मिला। आगे किस तरह से कार्य करेंगे? जो जनता का निर्णय जिसे दिया है उसी तरह से मैं जनता के सामने रहूंगा, खड़ा रहूंगा। चंद्रभान प्रजापति। नंबर वार्ड नंबर 24 मत्स्येंद्र नगर नौसड़ से। पहले वहाँ पे कौन? वहाँ से बसपा के पार्षद रहे रीता देवी, हाँ पत्नी रहे हीरमती देवी। 2144 वोट से जीत दर्ज किए हैं। इससे पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं? जी बिल्कुल रहे हैं, 2012-17 तक पार्षद हम निर्दल जीते थे। अच्छा, कार्य बाकी रह गया जिसको इस कार्यकाल में पूरा करना है? बहुत से काम बाकी हैं, अभी तो जल निकासी की न कोई व्यवस्था हमारे यहाँ सुदृढ़ हो पाई है, न पेयजल की कोई व्यवस्था सुदृढ़ हो पाई है, यहाँ आपद प्रकाश की भी व्यवस्था एकदम पूरा ध्वस्त है। ये सब सारी व्यवस्थाएं हमारा प्रयास रहेगा कि लग के जो है सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएंगे। इसका श्रेय जीत को परम पूज्य अपने मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को देंगे, अपने क्षेत्रीय विधायक को देंगे और अपने संघर्ष को देंगे। रामभवन निषाद, पूर्व पार्षद। 69 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ मैं। कितने नंबर, कितना वोट से चुनाव जीती हैं? 130 वोट से चुनाव जीती। इसका श्रेय किसको देंगे? ये मैं अपने समस्त जनता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये मेरा जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। आगे किस तरह कार्य करेंगे? पहले मैं जल जमाव का निर्माण करूँगी और सफाई करवाऊँगी, जनता की जो समस्या है उसको सारे दूर करूँगी मैं। लाली गुप्ता, श्री राम चौक, हासुपुर। मैं वार्ड संख्या 67 मोहद्दीपुर सरदार भगत सिंह नगर से जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं 600 वोटों से जो है चुनाव जीता हूँ। आगे क्या करेंगे जनता के लिए जो पूरा करें? एकदम जो है मैं सोचा हूँ कि अपने वार्ड को जो है एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा और जितनी भी जो है
कमियां हैं, नाली सड़क खड़ंजा, क्योंकि पिछले हम जानते हैं कि 15 साल से जो है कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी जो है पार्षद जो है वो संगठन का रहा नहीं, जो है निर्दल रहे हैं तो कोई काम नहीं करा पाए वो। हमारी प्राथमिकता होगी कि हर गली मोहल्ले नाली सड़क जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे और उसको आदर्श वार्ड बनाएंगे। इसका श्रेय किसको देंगे? ये जीत का श्रेय हमारे जो है मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे संगठन लोग सब सारे लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और सबका सहयोग सबका साथ सबका विकास, वार्ड की जनता भी जो है बहुत बहुत उनका समझ लीजिए कि आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। अपना नाम? मनोज निषाद, वार्ड संख्या 67 सरदार भगत सिंह नगर। कितने नंबर वार्ड? मैं गायघाट वार्ड नंबर 39 से। समस्त सम्मानित जनता गायघाट बुधर पारसी रामपुर सभी सम्मानित जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो मेरी ईमानदारी पर वोट किए हैं। मैं उनके साथ 1528 किसी भी हालत में कैसे भी मैं रात दिन उनके साथ खड़ा रहूंगा। कौन वार्ड नंबर था? वार्ड नंबर 39 गायघाट। कितने वोट? 818 वोट से। जो भी समस्या है समाधान किया जाएगा, जो भी जनता की समस्या समाधान किया जाएगा। ठीक है, आते जाते रहते हैं, मुद्दे तो आएंगे, विरोधी भाई विरोध करेंगे, लेकिन हमारा काम है, हमारी जनता हमारे साथ थी, आज हम लोग को विजय दिलाई है गायघाट वार्ड नंबर 39 की ही जनता। नाम और पद? केसी यादव, पार्षद गायघाट। वार्ड नंबर 40 है। कितने वोट से चुनाव जीते? 21 वोट से। इसका श्रेय किसको देंगे? अपने कृष्णा नगर जनता को। आगे क्या ऐसा कार्य पूरा करेंगे? अब आगे का कार्य यही है कि जो हमारे कृष्णा नगर वार्ड की जो समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे। अब आने वाले कल के लिए जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। जी वार्ड निर्दल हो गया। हाँ, डॉक्टर दिनेश। वार्ड नंबर 54 उर्वरक नगर। 651 वोट से। आगे किस तरह से कार्य करेंगे? विकास ही करना है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है उसी को योगी जी, भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र की जनता की। क्या ऐसा कार्य वार्ड की समस्या पूरा करेंगे? बड़ी टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, कोई चीज भी मतलब सही नहीं है, आज भी जल भराव है, पहले तो यही काम शुरू करना है। आनंद कुमार साहनी। 65 नंबर वार्ड से कृष्ण मोहन पांडे नगर। कितने वोट से चुनाव जीते आप? 1100 वोट से। पार्षद आपके दोबारा जीते, किस तरह से आगे काम? पार्षद रहते हुए 5 साल जनता के बीच में रहा और जो भी संभव विकास कार्य हो सका नगर निगम के माध्यम से वो कराया हूँ। जनता ने इस वजह से फिर इस तरह से मुझे मौका दिया है और जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में काम किया और जनता के बीच बना रहा, उसी तरह से आगे भी जनता के बीच बना रहूंगा और विकास कार्य करता रहूंगा। तो क्या ऐसा काम अधूरा था जिसको इस कार्यकाल में पूरा किया जाएगा? कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि अधूरे रह गए हैं, जैसे हमारे यहाँ मियां बाजार में नाला है घोष का, बंसीधर तिराहे से नखास पुलिस चौकी तक, उसको वो क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत और उसको ढकवाने का कार्य ये एक प्राथमिकता पर होगा। इसके अलावा कुछ अन्य भी कार्य हैं जिनकी लिस्ट है, कराया जाएगा। आनंद वर्धन सिंह, पार्षद कृष्णमोहन पांडे नगर। नंबर वार्ड चुनाव? वार्ड नंबर 25 गिरधरगंज। कितने वोट से चुनाव जीते? 1805 वोट से। क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता रोज हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग योगी जी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाज में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमारे लिए कोई इस तरह का वो नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ करना है। क्या ऐसा कार्य जिसको? देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ है, कोई ऐसा विशेष नहीं है और कोई सामान्य नहीं है, जो भी कार्य होगा वो विशेष होगा, अपने आप में विशेष होगा। इसका श्रेय किसको देंगे? देखिए, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी और हमारे यहाँ की सम्मानित जनता का है जिन्होंने मुझे वहाँ से उठा के और इतनी ऊंचाई तक बैठाया। रणंजय सिंह जुगनू। मैं चंद्रशेखर सिंह, मैं 4 बार से पार्षद रहा हूँ और इसके पूर्व में एक बार मेरी माताजी भी पार्षद रही हैं। ये फिर भारतीय जनता पार्टी से इस बार टिकट मिला
और इस बार मैं 3213 वोट से मैं चुनाव जीता हूँ। किस तरह से आगे कार्य करेंगे? मैं जनता के बीच में रहूंगा, हमेशा जनता के प्रति अच्छा भेदभाव रखूंगा, जो दुख सुख का जो भी कार्य होंगे उनके प्रति अपना रुझान व्यक्त करूंगा। क्या ऐसा कार्य है जो पूरा किया? हमारे यहाँ तो ऐसे अब कोई कार्य नहीं रह गया है, लेकिन जो भी काम अधूरा है उसको पूर्ण रूप से पूरा करूंगा और जनता का सम्मान करता रहूंगा, दुख सुख में शरीक रहूंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, मैं वार्ड नंबर 43 शाहपुर से 4 बार से लगातार पार्षद रहा हूँ। इसमें मेरी माता जी चुनाव लड़ी है, श्री ज्ञानती देवी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ईडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हम लोग विश्वविद्यालय प्रांगण में हैं, यहाँ पे नगर निगम के मेयर पद और पार्षद पद की मतगणना का कार्य हो रहा था। मतगणना का कार्य समाप्त हो चुका है, सभी ईवीएम और पोस्टल बैलेट की मतगणना हो गई है, केवल टैबुलेशन वर्क चल रहा है।